गांव में एक बहुत ही महान साधु आते, बहुत ही महान। वो साधु उस गांव में आते ही पूरे गांव को इकट्ठा करते, उनके पास जितने भी गांव के लोग थे उनसे मिलने जाते अपने अपने समस्याओं को लेकर। बाबा से कहते कि बाबा हमारे ये समस्या, हमारे वो समस्या, और बाबा सभी की समस्याओं का निदान करते, अच्छा एक अच्छा मार्गदर्शन। सभी व्यक्ति बाबा के स्वाभिमान से, बाबा के मान सम्मान से, बाबा के बताए गए रास्ते पे चलकर बहुत खुश थे। उसी समय एक गांव का बहुत ही दुखी व्यक्ति आता है बाबा के पास। बाबा को कहता है, बाबा हमारी जिंदगी में हमेशा खुश रहने का, सदैव खुश रहने का विराज नहीं, हम कैसे हमेशा खुश रह सकते बाबा? बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, रहा तुम हमेशा खुश रह सकते हैं। लेकिन व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कैसे रह सकते हैं। बाबा फिर कहते हैं, बाबा कैसे रहेंगे, हमें वो राज जानना है। बाबा कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। तो बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, राजी हो जाता है। बाबा उसे लेकर जाते हैं, जंगल की ओर बढ़ते हैं, उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाते और कहते हैं, तुम इसे उठा लो। व्यक्ति बाबा का बात मानता है, पत्थर को उठा लेता है। बाबा पूछता है, तब क्या करना है बाबा? बाबा कहते हैं कि बेटा तुमको अब मेरे साथ चलना है। व्यक्ति पत्थर उठाकर बाबा के साथ चल दे, थोड़ा आगे बढ़ता है, उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगते हैं। बाबा से कहते हैं, बाबा और कितने दूर चलो? बाबा कहते हैं, बस थोड़े दूर और चलना है, साथ चलो। व्यक्ति कहता है, ठीक है बाबा, ठीक है। व्यक्ति साथ चलने लगता है, थोड़ा और दूर जाता है, उसके हाथ में थोड़े से और दर्द बढ़ जाते हैं। फिर से बाबा से पूछता है, बाबा और कितने दूर? बाबा बोलते, थोड़े से दूर और चलना है, साथ चलो। व्यक्ति फिर चलने लगता है, उसके हाथ में और दर्द बढ़ने लगते हैं, व्यक्ति से रहा नहीं जा रहा है, फिर भी बाबा के साथ चल रहा है। और अंततः बाबा से बोलता है, बाबा और कितने दूर जाना है? बाबा बोलते, बस थोड़ी दूर और। फिर व्यक्ति बाबा के साथ चल देता है। थोड़े से और दूर जाने के बाद व्यक्ति एकदम दर्द से तबाह हो जाता, उसको दर्द बर्दाश्त नहीं होता, उससे पत्थर उठाया नहीं जाता। बाबा को बोलता है, बाबा अब हमसे पत्थर उठाया नहीं जाता, अब हमसे पत्थर एक मिनट भी हमारे हाथ में रखा नहीं जाएगा। बाबा बोलते, कोई बात नहीं, तुम इसे रख दो। व्यक्ति उस पत्थर को वहीं पे रख देता है और काफी अपने आप को खुशी खुश महसूस करता है। उसके चेहरे पर एक अलग चमक दिखाई देता है। बाबा कहते, बेटा तुम खुश है, तुम खुश हो? व्यक्ति कहता, हाँ बाबा बहुत खुश। बाबा कहते, क्यों खुश? व्यक्ति कहता कि बाबा मैंने बहुत ही भारी पत्थर को उठा लिया था, आपके साथ इतना देर चला, मेरा दोनों हाथ दर्द देने लगे, अब मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, इसे रख दिया, हमें हल्का महसूस हो रहा है, इसलिए हम खुश। बाबा कहते, बस तुम्हें राज मिल गया, तुम किस चीज़ का राज करना चाहते? व्यक्ति बोलता, खुशी का राज। बाबा कहते, बस मिल गया खुशी का। व्यक्ति को समझ में नहीं आता, व्यक्ति को लगता है कि अच्छा ये क्या सा खुशी का राज है। बाबा से बोलता है, बाबा ये क्या खुशी का राज? बाबा समझाते, देखो बेटा हम सभी के जीवन में, हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में, हम सभी के जीवन में ऐसी एक दुख रूपी पत्थर हम सबके पास है, जिसे हम जितना देर तक उठाते उतना ज्यादा दुखी रहते, उतना ज्यादा भार महसूस करते।